हेलो गाइस, आज की वीडियो हम देखेंगे हम कोई भी डिस्क का पार्टीशन कैसे करें। अगर किसी डिस्क में आपका ज़्यादा स्पेस है, जैसे मेरी 360 GB है, तो अब इसको मैं 100 GB में इसमें से निकालूंगा, तो इसका पार्टीशन कैसे करें, 100 GB न्यू डिस्क कैसे बनाए। सबसे पहले राइट क्लिक करना है विंडोज़ में, फिर डिस्क मैनेजमेंट खोलना है आपको। डिस्क मैनेजमेंट खोलने के बाद में मैं एनलार्ज कर रहा हूँ इसको। अब जैसे मुझे सी में से पार्टीशन करना है, तो सी पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में सिंक वॉल्यूम करना है, सिंक वॉल्यूम। फिर फर्स्ट चीज़ आपको कितना साइज़ निकालना है आपको, मुझे इसमें से 100 GB निकालना है। तो अब आपको पहले ये चीज़ मेंशन करनी है, तो कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करके दिखा दूँगा। एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू सिंक इन MB, आपको MB में लिखना है इधर। तो आपको फर्स्ट देख लेना है कितना GB आपको निकालना है। मेरे को 100 GB निकालना है स्पेस इसमें से, तो 100 100 multiply by 1024 1024। अब जो अमाउंट जो आंसर आएगा ना, अब इसको इधर लिख दे, पेस्ट कर देना है 1,02,400। अब ये MB में लिखना है 1,02,400, आपको इधर मेंशन करना है। एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी सिंक इन MB, क्योंकि भी अब जो नई डिस्क है उसका स्पेस MB में इधर लिखा जाएगा। ठीक है, क्या कुछ नहीं, इजी है। आपका जो भी जितना भी GB है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1024। अब ये मेरा आ गया है, अब बस आपको सिंक पे कर देना है। सिंक पे क्लिक करते ही आपको देखो 100 GB का अनलोकेटेड स्पेस आ गया है। तो अब इसको राइट क्लिक करके लोकेट करने के लिए न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे करना है, फिर नेक्स्ट पे करना है। फिर आप इधर से ये लेटर चेंज कर सकते हो, कोई सा भी लेटर सेलेक्ट कर सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से। तो अब मैं ई कर लिया, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कर लेना है आपको, इधर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको, नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है। ये आपका न्यू डिस्क पार्टीशन बन गया। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।